हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जियो फाइव कैसे हम एक पेन ड्राइव द्वारा यूज कर सकते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव को लगाने के बाद पीसी में आप मोबाइल से डाटा ले सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे हम देखेंगे कैसे जियो फाइव से हो सकता है। पहले देखिए, आप जियो फाइव को खोल लीजिए। जियो फाइव खोलने के बाद अब देखिए, यहाँ पे इसके कार्ड स्लॉट है, जो इसमें एसडी कार्ड पड़ता है। याद रखिए, इसमें मैक्सिमम पड़ता है एसडी कार्ड 64 GB का। 64 GB तक एसडी कार्ड लगा सकते हैं, उससे कम आप जितने लगा सकते हैं। ये तो सही होता है। ओके, वाईफाई टिक्स से हम एसडी कार्ड मोड पे करेंगे। देखिए, मैं इसको बंद कर देता हूँ। मेरे इसमें बैटरी नहीं है, मैं डायरेक्ट प्लग करके चला रहा हूँ। आप कैसे चलाएंगे जानने के लिए आप देख लिंक दिया है नीचे, आप देख लीजिए। देखिए, आपके जानने बाद हम मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे होगा। ये पहले आपको जाना है, लॉगिन करना है jiofi.local.html। जियो फाई का एड्रेस है, वो जियो फाई पर कनेक्ट होकर आपको जाना है। इधर जाने के बाद उसके बाद आपको जाना है, देखिए यहाँ पे यह है स्टेटस, नेटवर्क, वाईफाई टिक्स और मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट जाना है। मैनेजमेंट जाने के बाद स्टोरेज मैनेजमेंट जाना है। स्टोरेज मैनेजमेंट के जाने के बाद यहाँ पर देखिए स्टोरेज मोड लिखा है वाईफाई डिक्स से आप चेंज करके USB मोड कर दीजिए। आप जब भी आप USB से आप PC हो या मोबाइल पर लगाएंगे OTG के थ्रू, तो आपका ये आपका पेन ड्राइव पर काम करेगा। ओके, इसको USB मोड करके आप सेव कर दीजिए। ये जब वीडियो को सेव हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको जानना है कैसे माइक्रो SD कार्ड और JioSIM लगाना है और निकालना है, तो नीचे लिंक दिया है, प्लीज़ उसको देखिए और जानिए कैसे लगाना है और निकालना है।